Hello guys, welcome back to your physics class totally sponsored by IIT Manthan and हम पढ़ रहे हैं physics. पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया कुछ कुछ, ठीक है. अभी आज के लिए हम नया टॉपिक उठा रहे हैं, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है. अच्छा, उसके पहले मैं बता देता हूँ भाई, आपको असाइनमेंट्स मिली हैं बहुत सारी, ठीक है, 5 असाइनमेंट्स हो गई हैं. तो जिसका भी जो भी डाउट है, ठीक है, जिसका भी जो भी किसी भी असाइनमेंट पे डाउट है, सब के सब ग्रुप में पोस्ट करेंगे, ठीक है, ग्रुप में पोस्ट करेंगे. एंड अगली जो वीडियो है वो सारी डाउट्स की ही होगी, ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा. तो जो भी अच्छे अच्छे सवाल होंगे वो सारे करेंगे, ठीक है. सो आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल. सो व्हाट इज अ डायपोल? डायपोल मतलब डाय मीन्स टू, पोल मीन्स पोल. तो एक ऐसी चीज जिसके दो पोल हों, क्या होती है? मैग्नेट सुना है अभी तक, है ना, मैग्नेट सुना है. मैग्नेट में एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, दो पोल होते हैं. तो उसी टाइप से इलेक्ट्रिक डायपोल भी कुछ वैसा सा ही है, ठीक है. इसके दो पोल क्या होते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है. सो देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है भाई? एक यहां पे माइनस क्यू चार्ज और सेम ही कुछ डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच डिस्टेंस है डी. एंड डी जो होता है वो होता है वेरी स्मॉल, छोटा होता है डी, ठीक है, तभी ये डायपोल होता है. अच्छा, अब सर जी अपने को तो ऐसा लग रहा है कि क्या होगा ना, ये तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये डी डिस्टेंस पे रुके ही क्यों होंगे, चिपक जाएंगे, है ना. तो देखो भाई, ये सिंपल अपने को स्पेस में ऐसा डायपोल बना नहीं मिलता कि हवा में ऐसा डायपोल मिले, ऐसा नहीं होता, ठीक है. केमिस्ट्री में भी डायपोल आया होगा, ठीक है. सो देखो, मैं इंडक्शन से बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इंडक्शन से, ठीक है. जैसे ये अपना कोई नॉन मेटल है, ठीक है, चलो मेटल ले लो, मेटल में हमने देख लिया, ठीक है. सो ये मेटल है यहाँ पे, ठीक है. तो अब यहाँ पे एक शीट रख दो, पूरी शीट जिसका प्लस चार्ज हो, एक इनफाइनाइट शीट रख दी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. अभी क्या करेगी शीट? मेटल्स, मेटल के अंदर ठीक है, क्या है भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, है ना, मेटल मतलब कंडक्टर के अंदर. तो क्या होगा यहाँ पे कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरफ आके सेट हो जाएंगे एंड यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है. तो किसी एक पेयर को उठाएंगे तो ये क्या है, ये एक डायपोल बन गया, ठीक है. केमिस्ट्री में भी आता है ये, ठीक है. तो ये क्या बन गया, एक डायपोल. अब ये दोनों चार्ज सेम होंगे, इनके बीच कुछ डिस्टेंस डी होगी, सिंपल है, ठीक है. तो इस तरीके से अपने पास डायपोल होते हैं, ठीक है. ये जनरली किसी मैटर के अंदर मिलते हैं, ठीक है. सो अब देखो, डायपोल की बात करते हैं, ठीक है. अब इसके अंदर जो एक मेन जो एक वैल्यू होती है वो होती है डायपोल मोमेंट. किसी भी डायपोल को डिफाइन करने के लिए उसके लिए एक प्रॉपर्टी है बेसिकली, जिसका नाम है डायपोल मोमेंट, ठीक है. इसके नाम में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, इसके हम सीधे फॉर्मूले पे बात करते हैं, ठीक है. सो डायपोल मोमेंट होता क्या है? डायपोल मोमेंट पहली बात एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर है, ठीक है. वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगी. सो इसकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन जो होती है वो होती है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है. देखो इसको याद रखना ना, बड़ा सिंपल है. कैसे भाई? जैसे अपनी नंबर लाइन है, ठीक है. नंबर लाइन में क्या होता है कि यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना. तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर जाते हैं तो नंबर बढ़ रहे हैं, है ना. तो जो बढ़ने की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, है ना. तो इसमें भी ऐसा ही याद रखना है बस, ठीक है. सो मैं इससे याद रखता हूँ इसको, नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन है, ठीक है. दूसरी बात इसका मैग्नीट्यूड भी होगा. मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है? इट्स मैग्नीट्यूड इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, सिंपल. चार्ज कौन सा? दोनों सेम ही होंगे, माइनस और प्लस दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे चार्ज, ठीक है. सो डायपोल मोमेंट क्या बना? चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है. इसको अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं? अंग्रेजी में क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ठीक है एंड डिस्टेंस, सिंपल ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या बन गई, माइनस से प्लस ठीक है। अच्छा इसको हम डिनोट करते हैं पी वेक्टर से, ऐसे पी, पी के ऊपर कैप लगा दी है ना। तो ये कैप क्यों पहनते हो भाई, क्यों पहनते हो, क्योंकि अपने पास डायरेक्शन है, बिना डायरेक्शन नहीं घूम रहे हैं ठीक है। एक डायरेक्शन है प्रॉपर, किस तरफ जाना है। सो वी आर वेक्टर्स, सो बी वेक्टर्स डोंट बी स्केलर्स, यू मस्ट हैव अ डायरेक्शन ठीक है। तो बात हो गई अपने पास, तो डाइपोल मोमेंट पी इज चार्ज इंटू डिस्टेंस, सिंपल है, इसको अपन याद रखते हैं ठीक है। अब डाइपोल में और क्या क्या आएगा, अब ये जो डाइपोल बना इसमें दो चार्जेज हो गए हैं ठीक है। तो इन दो चार्जेज की वजह से कहीं भी स्पेस में इसके आसपास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेंगे दोनों। जीरो हो सकता है क्या, कहीं जीरो कहीं नहीं होगा, इसमें जीरो कहीं नहीं होगा, दोनों प्लस होते हैं तो कैंसिल होता है, एक प्लस एक माइनस, जीरो कहीं नहीं होगा, इनफाइनाइट पे ही होगा ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके आसपास, दूसरा पोटेंशियल भी आएगा इसके आसपास ठीक है। तो वो अपने को काम करने हैं सारे ठीक है। बट उसके पहले इसके अंदर तो अपने को सिर्फ दो चार्ज दिख रहे हैं, सिर्फ दो चार्ज दिख रहे हैं ठीक है। दो से ज्यादा भी चार्ज हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी चार्ज हो सकते हैं, जैसे ठीक है एग्जाम्पल उठाते हैं अपन ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भाई, कि स्याही बह जाती है कई बार, एक यहां पे देखो, एक यहां पे क्यू चार्ज रख दो ठीक है, नेगेटिव रखता हूं, यहां पे प्लस क्यू रख दो ठीक है। डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है ठीक है। तो अभी डाइपोल मोमेंट कितना है, चार्ज इंटू डिस्टेंस है ठीक है, क्यू इंटू डी है ना। अब मैं क्या किया, ये जो क्यू चार्ज था इस पे एक और क्यू चार्ज चिपका दिया, मतलब सेम ही माइनस क्यू ले आए, माइनस क्यू एक्स्ट्रा रख दिया अभी, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस टू क्यू। यहां पर क्या किया, प्लस क्यू फिर से रख दिया ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस टू क्यू है ना। तो अब जो नया डाइपोल मोमेंट है पी न्यू क्या बनेगा, टू क्यू इंटू डी बनेगा, सिंपल है ना। तो अब देखो बड़े काम की बात आई है, काम की बात क्या है कि ये जो चार्ज चिपकाया है, ये मान लो ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है ठीक है, वो पास पास आ गए हैं बिल्कुल है ना, बट है वो अलग अलग ही। तो ऐसा सोच सकते हैं ना आप कि एक डायपोल ये था और दूसरा डायपोल ये था ठीक है, चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सिंपल, और दोनों की डिस्टेंस डी ठीक है। तो पहले का डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये बनी, नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, तो पी वन की वैल्यू क्या बनी, क्यू इंटू डी। पी टू किस तरफ आया, इसी तरफ, वैल्यू क्या आई, क्यू इंटू डी है ना। अब देखो पी नेट कितना बन गया, और पी नेट कितना बन गया, टू क्यू डी। तो बेसिकली दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर दोनों का वेक्टर सम हो गया है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, वेक्टर सम करेंगे तो क्या बनेगा, क्यू डी इंटू क्यू डी। सो पी नेट क्या बन गया, पी वन प्लस पी टू, सिंपल यही बनाना ठीक है। अच्छा तो एक बार नोट करो, अभी उल्टा करके देखते हैं, एक बार नेगेटिव चार्ज करके देखते हैं ठीक है। सो पॉज करके नोट कर सकते हो, आई एम जस्ट रबिंग ड्रिंक। देखो भाई कितना, अस्सी अस्सी की कितना, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये लो कितना था डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू डी था और प्लस आई कैप में था, वेक्टर में लिख देता हूं एक बार तो अच्छा रहेगा ठीक है। फिर क्या करो, यहां पे उल्टा कर दो, यहां पे प्लस क्यू चेप लो, यहां पे माइनस क्यू चेप लो, प्लस क्यू माइनस क्यू है ना। सो अब ये जो डाइपोल मोमेंट बना ये इस तरफ आएगा P2, अगर लिखे इसको तो Q इंटू डी माइनस आई कैप है ना। अच्छा अब मैं बोलूं कि ये जो क्लब हुए हैं एक साथ हुए हैं, इन दोनों को एक साथ एक बार लिखो, कितना चार्ज हो गया, अरे प्लस माइनस जीरो, ये भी प्लस माइनस जीरो, डिस्टेंस तो सेम है। तो P नेट या P न्यू जो बना वो क्या बना, जीरो है ना। और दोनों वेक्टर्स को ऐड करें अपन, पी नेट इज इक्वल टू पी वन
प्लस पी टू तो क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा, जीरो ही आ रहा ना। ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, तो क्यू डी आई कैप माइनस क्यू डी माइनस आई कैप, और प्लस लगा दो यहाँ पे, तो क्या बन गया, जीरो। तो अपने को क्या दिख रहा है यहां से, दोनों चीजों से, कि भाई अगर अपने को दो डायपोल एक साथ दिख जाए तो नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एड देम वेक्टरली, वेक्टर की तरह उनको ऐड कर दो तो डायपोल मोमेंट नेट बन जाएगा। ठीक बात होगी, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छी बात आने वाली है, अभी ये सीधे सीधे थे, अभी टेढ़े टेढ़े लेंगे, टेढ़े देखो भाई, एक चार्ज यहां पे है क्यू, यहां पे माइनस टू क्यू और यहां पे क्यू, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं ना कि ये भी डायपोल है, तुम तो बोल लोगे भाई है ही नहीं डायपोल, तीन चार तीन है यार, तो तीन है अभी तक जो हमने बनाए हैं, इसके पास भी दो थे, इसके पास भी दो थे, चार दो दो थे ना, इसमें तो तीन हो गए। बट हम ध्यान से देखें तो ये क्यू है, ये क्यू है, ये माइनस टू क्यू है, तो माइनस टू क्यू को ऐसे कट कर दो बीच से अगर, तो ऊपर क्या रह गया, माइनस क्यू, नीचे क्या रह गया, माइनस क्यू, है ना। तो क्या अब हम दो डायपोल देख पा रहे हैं, दो डायपोल देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पाएंगे। एक तो ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, है ना। तो इस पेयर का डायपोल मोमेंट इस तरफ, ये लो पी वन, कितना भाई, क्यू इंटू डी, माइनस से प्लस है ना, आई कैप जे कैप में लिखे तो ऊपर की तरफ है, तो प्लस जे कैप है ना, इसका माइनस प्लस इस तरफ आ गया, इस तरफ पी टू लिख देंगे, कितना भाई, चार्ज इंटू डिस्टेंस ही, क्यू तो वही है ना, चार्ज तो सेम ही है, ये चार्ज देना लिखना है, लिखना अपने को, सो पी टू, और ये क्या आ गया, माइनस आई कैप, है ना। तो सिस्टम का अगर पी नेट लिखें, पी नेट लिखें तो क्या बनेगा भाई, पी वन वैक्टर प्लस पी टू वैक्टर, ठीक है, ड्रॉ करके देख लो, पी वन इस तरफ, पी वन इस तरफ, पी टू इस तरफ, ठीक है। सो रिजल्टेंट कहाँ आएगा दोनों वेक्टर्स का, यहाँ पे आएगा, है ना। तो पी नेट का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की, तो पी वन स्क्वेयर प्लस पी टू स्क्वेयर का अंडर रूट, दोनों 90 डिग्री पे तो है ही, क्या बन जाएगा, क्यू डी स्क्वेयर प्लस क्यू डी स्क्वेयर का अंडर रूट, सॉल्व करेंगे तो रूट टू इंटू क्यू डी। सो वट इज दिस, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, वट इज डायरेक्शन, ये रही भाई, ये है पी नेट, तो है ना। सो डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं आप, देखो अगर इसको आई जे के फॉर्म में लिखना हो, खाली आई जे के फॉर्म में, तो यहीं से लिखा जाएगा, ये यहीं से लिखा जाएगा, लिख दो सीधा, पी वन की वैल्यू क्या है, ये है, क्या है, क्यू डी जे कैप, पी टू की क्या है, माइनस क्यू डी आई कैप, ये लिखा गया वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसे ही लिखा गया, है ना। नेट अगर निकालना है, नेट का मैग्नीट्यूड ये लिखा गया, पी नेट यही है, दोनों का सम है, ठीक है। डायरेक्शन क्या दिखेगा अपने को, ये एंगल 45 दिखेगा, है ना, ये एंगल कितना दिखेगा, 45 डिग्री। तो अपन क्या बोल सकते हैं डायरेक्शन में, कि भाई नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में 45, है ना, तो थीटा इज 45। चलो बाकी चीजें तुम्हें पता ही है ना, तो कैसे लिखना है, बात क्लियर हुई। सो अगर अपने पास दो डायपोल आ जाए तो क्या करना है, दोनों का अलग अलग डायपोल मोमेंट निकालना है, रिजल्ट निकाल देना उसका, ठीक बात है, ठीक है। चलो देखो एक और सवाल देखते हैं, ऐसा ही, पहले लेते हैं स्क्वेयर ले लिया, ठीक है, इमेजिनरी स्क्वेयर है, ये लाइनें हैं नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस, ये सारी डिस्टेंस है डी। सो इसका अपने को नेट डायपोल मोमेंट निकालना है, नेट डायपोल मोमेंट करेंगे, पेयर दिख रहे हैं कहीं कहीं, क्या करना है, पेयर बनाने हैं अपने को, प्लस और माइनस का होना चाहिए, सिंपल बात है, प्लस और माइनस का एक पेयर बनना चाहिए, तो ये पेयर बना दो, एक तो ये पेयर बन गया, दूसरा ये बन गया, है ना, दो पेयर बन गए, तो इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, क्यू इंटू डी, है ना। इसका डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ, वैल्यू क्या आएगी, क्यू इंटू डी, सिंपल, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस,
तो रिजल्ट क्या बन गया, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, सो पी नेट क्या बन गया, बना ही नहीं, जीरो बन गया, सिंपल। अच्छा अब मेरे को इसमें और भी कुछ दिख रहा है ना, मतलब ये जो पेयर बनाए हमने, हम दूसरे पेयर भी बना सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है, जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें एक का पेयर हम बाकी सब के साथ बना रहे थे, एक का पेयर बाकी सब के साथ बना रहे थे, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है ना। क्या है कि एक बार एक पेयर में ये चार्ज आ गया तो दूसरे में वो नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। सो देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे अपन, ठीक है, मतलब किसी के दिमाग में वो भी आ सकता था आराम से, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना। तो ये पेयर सोच लो, एक तो एक ये सोच लो, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ क्यू डी, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ क्यू डी, एक आगे एक पीछे, अब आई कैप में हो गए तो रिजल्ट क्या बन गया, डायपोल मोमेंट पी नेट क्या बन गया, जीरो, ठीक बात। तो भाई चाहे पेयर्स कैसे भी बनाओ, पेयर्स दिखने चाहिए अपने, पेयर चाहे कैसे भी बनाओ, ठीक है, वैल्यू हमेशा ही सेम आएगी। सो एक बार अगर पेयर बना दो तो टेंशन मत लेना, दूसरे की कॉपी देख के ये मत सोचना उसने दूसरे पेयर बनाए हैं, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ठीक बात है। सो आगे चलते हैं, अब डायपोल की वजह से नहीं, थोड़ा सा और करते हैं अभी, देखो देखो इंटरेस्टिंग सा आने वाला है, अभी थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाली चीज है, ठीक है, जेई मेंस एंड एडवांस के लिए बहुत ही काम का सवाल। देखो भाई एक अपने पास प्लस माइनस क्यू ले लो, माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, उस पे चार्ज है टोटल प्लस क्यू, टोटल प्लस क्यू, ठीक है, रेडियस आर है। अभी सिस्टम का अपने को डायपोल मोमेंट बताना है, ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट लिखना है, सोच पाएंगे, सोच पाएंगे भाई, ठीक है। अब देखो दो दो चार्ज तो दिख रहे हैं, इक्वल है, इक्वल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना। तो जैसे हमने वो 2q आया था, 2q को तोड़ दिया था q और q में, वैसे ही अब अपने को इन दोनों चार्जेस को भी ब्रेक करना पड़ेगा, किस में, dq 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 में कर दो, क्योंकि अब तो dq में करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या बनेगा, ठीक है, क्या करो भाई, देखो भाई रिंग के अंदर वैसे भी हम पहले भी कर चुके हैं, रिंग में अगर इंटीग्रेशन से कुछ करना है तो अपन जीरो एंगल यहाँ जूम करते हैं, जीरो एंगल यहाँ जूम करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से जनरल थीटा एंगल पे जाएंगे, जनरल थीटा एंगल पे इस तरफ चल पड़ो, यहाँ पे फिर डी थीटा का कट लगाएंगे, एंगल डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चार्ज मिला अपने को, है ना, ये कुछ चार्ज मिलेगा, इसका नाम रख दिया डी क्यू, ठीक है। अब इस रिंग पे हर एक डी थीटा पे डी क्यू डी क्यू डी क्यू आएगा, है ना, यहां से शुरू हो जाओ डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, तो रिंग को तो हमने क्या किया डी क्यू डी क्यू डी क्यू में ब्रेक कर दिया। पॉइंट चार्ज को भी क्या करो, मान लो डी क्यू डी क्यू में ब्रेक मान लो, है ना, जैसे पॉइंट चार्ज असली में तो एक स्फीयर ही होगा छोटा सा, ठीक है, उसका डी क्यू यहां उठा लो पहला, ठीक है, इसका पेयर इसके साथ बनेगा मान लो, यहां वाले का पेयर मान लो इसके साथ बनेगा, है ना, देखो इस डी क्यू का इसके साथ पेयर बनेगा, इस डी क्यू का मान लो इसके साथ बनेगा, इस डी क्यू का इसके साथ बनेगा, इसका इसके साथ बनेगा, तो इसमें जितने डी क्यू होंगे उसमें भी उतने ही होंगे, है ना, और इसके सारे डी क्यू एक ही जगह पे, उसके अलग अलग है ना, तो इसका भी कौन सा चार्ज उठाना पड़ेगा अपने को, मतलब इस डी क्यू के साथ एक डायपोल बनाने के लिए इसका भी एक छोटा सा पार्ट उठा लेंगे हम डी क्यू, है ना। तो क्या किया, कैसे हुआ भाई, देखो ये डी क्यू चार्ज हो गया इस पेयर के लिए, यहाँ पे फिर से हमने क्या मान लिया कि इसका भी एक डी क्यू पार्ट ही है, ये भी डी क्यू पार्ट है, ठीक है। सो ये डी क्यू नेगेटिव, ये डी क्यू पॉजिटिव, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, आर है, आर है, तो एक ये डायपोल बन गया है। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट किस तरफ होगा और कितना होगा, किस तरफ होगा और कितना होगा भाई, इस तरफ जाएगा, इसका नाम क्या रख देंगे, डी पी, स्मॉल डायपोल मोमेंट। वैल्यू क्या होगी, डी क्यू इंटू आर, रेडियस आर ही है, देख पा रहे हैं ना, ठीक है। वैल्यू क्या होगी, इसका भी डी क्यू, इसका भी डी क्यू, डी क्यू इंटू आर, सिंपल। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, इस रिंग पे
इस रिंग पे बहुत सारे डीपी 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 बनेंगे, है ना। देखो इस रिंग पे हम देखेंगे तो यहां पे इस तरफ एक डीपी आया है तो इस तरफ भी एक डीपी आएगा, है ना। ये मान लो इस तरफ एंगल थीटा पे आया तो ये इस तरफ भी एंगल थीटा पे ही डीपी होगा, सिंपल बात है। अच्छा अब मैं बोलूं कि इन दोनों डीपीज का सम क्या होगा, बता पाएंगे इन दोनों डीपीज का सम क्या होगा। वी विल ब्रेक कंपोनेंट्स अगर ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो एक कंपोनेंट ऊपर ले जाओ, एक कंपोनेंट इस तरफ ले जाओ, ये एंगल थीटा दिखेगा, है ना। तो ऊपर की तरफ क्या बन गया, डी पी कॉस थीटा, इस तरफ डी पी साइन थीटा, इस डीपी का ऐसे ऐसे ये वाला डी पी साइन थीटा, एंगल ये थीटा है भाई, डी पी कॉस थीटा, सिंपल। तो इन दो डीपीज का सम करें तो साइन थीटा तो उड़ गया, नेट क्या आया, डीपी कॉस थीटा आया, है ना। तो मतलब टू डीपी कॉस थीटा आया यहां से। तो बट हम क्या बात बोल सकते हैं कि भाई अब जितने भी डीपी आएंगे उन सब के एक्स कंपोनेंट तो कट जाएंगे और वाई कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, सोच सकते हैं, है ना। और डीपी ले लेके देख सकते हैं, ठीक है, देख लेना, ठीक है, मैं नहीं दिखा रहा। सो मतलब क्या कह सकते हैं हम कि इस रिंग पे जितने भी डीपी आएंगे ऐसे स्प्रेड होंगे सब के सब का एक्स कंपोनेंट कटा होगा, कट जाएगा, सिर्फ कौन सा बचेगा, वाई बचेगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि पी नेट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल वाई कंपोनेंट, एंड वाई कंपोनेंट क्या होंगे, डीपी कॉस थीटा ही होंगे, डीपी कॉस थीटा ही होंगे, बात क्लियर। सो पी नेट इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डीपी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन डीपी कॉस थीटा तो आ गया, वैल्यू भी लिखनी है अपने को, डीपी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, डीपी की वैल्यू ये रही डी क्यू इंटू आर, है ना। अब डी क्यू को थीटा ही टर्म में लिखना पड़ेगा, डी क्यू को थीटा ही टर्म में लिखना पड़ेगा, तो वो आप लिख देते हैं, ठीक है। देखो बहुत आसान है, कैसे लिखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद है कुछ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो इस रिंग का लैम्डा कितना है, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज इज क्यू, टोटल लेंथ इज 2πr, पाई आर बे आधा सर्कल है, पाई आर, है ना। तो लैम्डा इज क्यू बाय 2πr हो गया, सिंपल। अच्छा अब क्या है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी रिंग की है वही लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पार्ट की होगी, इस पार्ट की भी सेम ही होगी ना डेंसिटी, तो यूनिफॉर्म है। तो इसकी लेंथ बता सकते हैं कितनी है, व्हाट इज इट्स लेंथ, लेंथ ये लेंथ कितनी है भाई, कितनी है, ये आर डी थीटा, आर्क लेंथ कितनी होती है, आर इंटू डी थीटा, रेडियस इंटू डी थीटा, सिंपल। सो रिंग के लिए मतलब स्मॉल पार्ट के लिए लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट इज इट्स लेंथ, आर डी थीटा, एंड लैम्डा दोनों सेम होने चाहिए, है ना। तो q by pi r is equal to dq by r d theta, pi तो कटा नहीं, r कट गया बस, है ना, dq is equal to q by pi into d theta, ठीक है। ये क्या करेंगे, q को स्मॉल लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना q को स्मॉल लिख रहे हैं, तो dq की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। अच्छा देखो इसका दूसरा मेथड क्या है, बहुत सिंपल, यूनिटरी मेथड, ये जो रिंग है टोटल एंगल कितना है, पाई है, पाई एंगल पे चार्ज कितना है, क्यू है, तो वन पे कितना होगा, कम होगा, एंड डी थीटा पे कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा, सेम ही आएगा ना, देखना क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा, सिंपल, ठीक है, बस अपना आप काम हो जाएगा। सो पी नेट इज इक्वल टू डी पी कॉस थीटा, व्हाट इज डी पी, डी पी कॉस थीटा, ठीक है, व्हाट इज डी पी, dp charge into distance, what is dq, dq is q by pi into d theta into distance r into cos theta लिखना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हां इंटीग्रेशन किस में चलेगा, थीटा में चलेगा, थीटा में चलेगा इंटीग्रेशन, लिमिट्स पुट करनी है भाई, लिमिट्स का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट का मतलब मिनिमम एंगल ऑफ थीटा जहां पे चार्ज है,
अपर लिमिट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा जहां पे चार्ज है ना, थीटा जीरो कहां जूम किया, यहां पे। इस तरफ एंगल कैसे लेते हैं हम, नेगेटिव, इस तरफ एंगल पॉजिटिव, ठीक है। तो पहला डीक्यू क्या कट करना चाहिए, कम से कम एंगल पे, कम से कम मतलब नेगेटिव सबसे बड़ा मतलब कम से कम। तो पहला डीक्यू तो यहां कट करेंगे, तो थीटा कितना बना यहां पे, माइनस पाई बाय टू। आखिर यहां कट करेंगे तो थीटा कितना बना, पाई बाय टू, सिंपल। सो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक है। सो देखो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, क्यू बाय पाई आर ऊपर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा या प्लस साइन थीटा, अरे प्लस साइन थीटा होगा, प्लस ही होगा है ना, कॉस का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन साइन का, कॉस पॉजिटिव होता है, लिमिट्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो क्यू बाय पाई आर इंटू साइन 90, पहले बनेगा साइन पाई बाय टू माइनस साइन माइनस पाई बाय टू, ठीक है। तो ये वन, ये माइनस वन, ठीक है। तो वन माइनस माइनस वन क्या बन गया, टोटल टू बन गया। सो आंसर इज टू क्यू आर बाय पाई। सो दिस इज नेट डायपोल मोमेंट, सो दिस इज नेट डायपोल मोमेंट। एंड मोर ओवर इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन इज, अरे देखिए तो यहां से एक्स वाले तो कट जाएंगे, सिर्फ वाई वाले ही बचेंगे। सो नेट डायपोल मोमेंट किस तरफ आ रहा है, वाई में। सो नेट डायरेक्शन इज प्लस वाई डायरेक्शन, सिंपल। बात क्लियर, ठीक है, देख लोगे, बात क्लियर होगी, ठीक है। कैसे पूछूं, क्या डाउट आया, ठीक है, डाउट कोई नहीं होना चाहिए, सब अच्छा है। सो आगे चलते हैं, जस्ट नोट इट, हटा दो। अब इस टाइप के और सवाल अगर आएंगे तो वो तुम्हें अपने आप से हैंडल करने होंगे, ठीक है, तो उनको कर लेना। हाँ दूर थोड़ा सा, एक सवाल देता हूँ, देखो रिंग वाला ही है, इसका आंसर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। अब की बार अपन ने इतनी रिंग ले ली, क्वार्टर रिंग, ये लो, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक है, इसका लिखना है। फिर क्या ले सकते हैं, वन थर्ड भी ले सकते हैं, वन थर्ड भी ले सकते हैं, एक मिनट। अच्छा एक ये ले सकते हैं, एक रोड है अपने पास, ठीक है, टू ए लेंथ की है, ठीक है। इस रोड पे आधे पे तो प्लस लैम्डा डेंसिटी है, प्लस लैम्डा, ठीक है, आधे पे है माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा, ठीक है। तो इसका लिखना अपने को डायपोल मोमेंट, ठीक है। इसके अंदर जो पेयर बनाने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर ध्यान से बनाने हैं। पेयर्स के अंदर डिस्टेंस अलग अलग भी ले सकते हो, सबकी सेम भी ले सकते हो, ठीक है। सो ये सवाल करना है, ये सवाल करना है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ये कराऊंगा, मैं बता रहा हूं इसके अंदर पेयर्स लेने हैं, पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो भाई पेयर्स में नहीं बता रहा, ठीक है, बस क्या बात बताऊंगा, हिंट क्या है कि पेयर बनाते टाइम ऐसे पेयर भी बना सकते हो जिनका डायपोल मोमेंट में डिस्टेंस सेम हो, ऐसे पेयर भी बना सकते हैं जिनका डिस्टेंस सेम हो, और ऐसे भी बना सकते हैं जिनका डिस्टेंस अलग अलग हो। तो अलग अलग वाले बनाओगे तो इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, सेम वाले बनाओगे तो इंटीग्रेशन करना आसान होगा, आंसर मस्ट बी सेम, ठीक है, दिमाग लगाओ ध्यान से, ठीक है, पेयर बनाने मेन बात, ठीक है। सो आगे चलते हैं, इसके बाद अपना है इफेक्ट, इफेक्ट्स कि भाई ये डायपोल जो है ये क्या इफेक्ट शो करता है। सो देखो भाई, अब अपने को क्या करना है ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है उसके आसपास के स्पेस में, ठीक है। ये जो टॉपिक है सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये डेरिवेशन पूछी जा चुकी है बहुत बार, तो इसको ध्यान से देखेंगे। सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है, उसको याद रखना है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे हम फील्ड निकालते गए हैं सेम ही रहेगा, ठीक है। सो देखो भाई, पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज ले लिया, लेट्स से इनके बीच डिस्टेंस 2d ले लेता हूं मैं एक बार,
टू डी ले लेंगे, थोड़ा आसान बनेगा इसलिए, ठीक है। और इसके सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, अपने लिखना है फील्ड, लिखना है ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखना है ए पर, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है ये इसकी एक्सिस वाली लाइन पे, एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, है ना, धरती की एक्सिस जैसे बोलते हैं ना, गोल गोल ऐसे, ठीक है। सो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है अपने को ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, है ना। अब ये सेंटर ले लिया तो ये भी डिस्टेंस डी एंड ये भी डिस्टेंस डी, सिंपल, ठीक है। अब भाई फील्ड लिखना है डाइपोल की वजह से, तो डाइपोल, डाइपोल में तो दो चार्ज हैं, तो जो दोनों चार्ज की वजह से अगर लिख दे तो काम हो जाएगा, तो दोनों चार्ज की वजह से लिखते हैं। फिर क्या लिखा जाएगा, देखो माइनस क्यू जो चार्ज है वो इस पॉइंट को, मतलब फील्ड लिखने के लिए प्लस वन मानेंगे तो अपनी तरफ फील्ड देगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसका नाम रख दो एक बार ई वन, प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, इसका नाम रख दो ई टू, है ना। वैल्यू ज्यादा कौन सी होगी, वैल्यू लिख भी देते हैं, देखो ई वन की वैल्यू लिखते हैं, ई वन की वैल्यू के क्यू बाय कितनी डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक ध्यान से देखेंगे, एक्स तो ये और आगे डी, डी प्लस एक्स, सो डी प्लस एक्स का स्क्वायर, सिंपल। दूसरा ई टू लिखते हैं, ई टू क्या आएगा, के क्यू बाय डिस्टेंस ये है इतनी सी, है इतनी सी, तो ये पूरी कितनी है x, x में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है d, x में से d सब्ट्रैक्ट करना है इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वैल्यू बड़ी कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो वैल्यू छोटी होगी, डिनोमिनेटर छोटा है वैल्यू बड़ी होगी। सो e नेट की अगर बात करें अपन तो क्या बोल सकते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। एंड डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन क्या होगी भाई, प्लस आई कैप, है ना, डायरेक्शन प्लस आई कैप होगी ना आगे की तरफ। सो अपने को क्या करना है, E2 माइनस E1 करना है, सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, है ना। तो E नेट लिखते हैं, E नेट इज इक्वल टू, देखो के क्यू ओवर x माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस के क्यू ओवर x प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। जस्ट टेक एलसीएम, एलसीएम में दोनों की मल्टीप्लाई क्या बनेगा, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, पूरे का स्क्वायर, ऐसा ही होगा भी, ध्यान से देखना उसको, है ना। ऊपर अगर के क्यू को कॉमन ले लें, ये ऊपर चला गया ऐसे कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू एक्स डी, ठीक है, और क्या है यहाँ पे माइनस है साथ में, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस टू एक्स डी हो जाएगा। मैथमेटिक्स देख लेना, ये कैंसल, सो के क्यू इंटू फोर एक्स डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ठीक है। सो ये अपने पास वैल्यू आ गई है अभी, सो दिस वैल्यू इज फाइनल। बट हमने स्टार्टिंग में एक बात करी थी, बात क्या थी ना, कि जो दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस आती है वो बहुत ही स्मॉल आती है, मतलब यहाँ पे जो 2d है, 2d जो है वो बहुत स्मॉल है, सिंपल बात है, 2d इज वेरी स्मॉल, किससे, x डिस्टेंस से। मतलब क्या है ना कि भाई डाइपोल तो देखो यहीं पे है बस, इतना सा माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, इसकी वजह से फील्ड हम यहाँ लिख रहे, इसकी वजह से फील्ड यहाँ लिख रहे, है ना। तो जो d डिस्टेंस है वो x के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, सिंपल बात। सो d डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल देन x, सो व्हाट वी कैन से, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन देखो यहीं पे है बस, काम की बात, अप्रोक्सीमेशन देख क्या भाई, कि d डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल देन x, सो हम क्या लिख सकते हैं, d बाय x को लगभग जीरो लिख सकते हैं, d बाय x को लगभग जीरो लिख सकते हैं। सो ट्राई टू फाइंड d बाय x, ट्राई टू फाइंड d बाय x फ्रॉम डिनोमिनेटर, है ना। सो देखो क्या बनेगा, के क्यू फोर एक्स डी, ठीक है, अंदर जो स्क्वेयर है उसके अंदर ही क्या करो, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लो, यहाँ पे वन बचेगा, माइनस डी स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर और पूरे का स्क्वेयर, अंदर वाले में से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया मैंने, अंदर वाले में से ऊपर का स्क्वेयर ऐसे ही रखा है,
ठीक है। सो डी स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर, इसको आप जीरो पुट कर सकते हैं। सो व्हाट वी गेट आंसर, के फोर के क्यू एक्स डी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर टू इंटू टू फोर, सो थ्री रह गया नीचे। तो ऊपर देखो, ऐसे देखो टू को अलग रखो, एक बार फोर को क्या किया मैंने, टू अलग रख दिया, टू और साथ में के इंटू टू क्यू अलग रख दिया, इंटू डी अलग रख दिया, नीचे एक्स क्यूब कर दिया, है ना। देखो ऐसा क्यों किया, सिंपल रीजन है क्योंकि चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस ये क्या है, यही तो पी है अपना, है ना। पी क्या है, पी क्या होगा इसका, दिखा गया पहले इस डायपोल का पी अगर देखें हम तो किस तरफ होगा भाई, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, वैल्यू चार्ज इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस टू डी ले रखी है अभी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस आई कैप लिख सकते हैं, सिंपल है ना। तो ये क्या है अपना, ये क्या है, डायपोल मोमेंट पी है। और अगर हम ध्यान से देखें तो अपने ई नेट की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल ही है पी के, है ना। ई नेट किस तरफ है, आगे, प्लस आई कैप देखो ये रहा, एंड पी किस तरफ है, प्लस आई कैप है ना। तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो E इज इक्वल टू टू ऐसे रखो, K ऐसे रखो, इसका क्या बना दो, P डिवाइडेड बाय X क्यूब, सिंपल। सो दिस इज E नेट ऑन एक्सियल लाइन, फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, कैसे है भाई, K क्यू बाय X स्क्वायर होता है, K क्यू बाय X स्क्वायर होता है, बट K क्यू बाय X स्क्वायर तो होता है, बट इसके अंदर ऊपर क्या लिखना है अपने को, डायपोल, ऊपर डायपोल लिखना है तो इनटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मतलब यूनिट, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी डिस्टेंस से किया तो नीचे एक्स क्यूब बन गया, है ना। तो इसको डायमेंशनली याद रखना बड़ा आसान है, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर, सो ट्राई टू नोट, आगे चलते हैं, ठीक है, ट्राई टू नोट, जस्ट पॉज इट, नोट इट। सो नेक्स्ट इज, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। मतलब अब ये लाइन कहां पे है, ठीक है, देखो इसको थोड़ा नीचे फोटो बनाएंगे, q माइनस q प्लस q, डिस्टेंस सेम लेंगे 2d, ठीक है, और सेंटर से ऊपर की तरफ आ जाएंगे अब x डिस्टेंस पे। अब ये पॉइंट है a, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है a पर, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना भाई, ध्यान से देखेंगे वेक्टर्स में चलेगा, ठीक है, वेक्टर में एंगल थीटा वगैरह भी आएंगे, तो देखें तो माइनस क्यू इस पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ आ गया, सिंपल, ठीक है। सो इसका नाम लिखते हैं अभी ई वन, दूसरा प्लस टू क्यू, और सॉरी प्लस क्यू क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना, रिपेल करेगा, इसका नाम रख दिया है ई टू। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, ईवन क्या होगा भाई, के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस ये वाली है ना, ये क्या बने स्मॉल डी, ये क्या बना एक्स, सो दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज है ना, हाँ, तो एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर का अंडर रूट और उसका स्क्वेयर, ई टू लिखो, ई टू के क्यू, चार्ज तो सेम ही है, डिस्टेंस अरे यही है तो क्या है, सेम ही है, चलो एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर का अंडर रूट करेंगे फिर उसका स्क्वेयर करेंगे, चलो कट जाएगा। तो हम ध्यान से देखें तो ई वन ई टू सेम है ना, ई वन ई टू सेम है। सो अब इन दोनों का रिजल्टेंट अपने को लिखना है, तो देख पा रहे हैं किस तरफ होगा रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट किस तरफ होगा भाई, पीछे होगा ना, हाँ हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। सो क्या करो, ये एंगल थीटा यूं कर लिया हमने, सो देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, ये वाला इस ट्रायंगल में ये 90 है ना, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो ये थीटा बचा फिर से, तो ये थीटा, तो ये थीटा, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी दिख रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, तो ये थीटा। सो ई वन का ये कॉम्पोनेंट आएगा ई वन कॉस थीटा, ये आएगा E1 साइन थीटा, सेम E2 का इस तरफ आएगा,
ई टू कॉस थीटा और ऊपर आएगा ई टू साइन थीटा, ये कट गए, इवन ई टू सेम है, तो रिजल्ट किस तरफ आया, ई नेट इस तरफ, कितना 2e, e लिख देता हूं ना अभी, 2e cos theta, 2e cos theta, बट डायरेक्शन ये है, बहुत काम की बात है, डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, यहां पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस होती है, सो p की डायरेक्शन आगे की तरफ है ना, और e की डायरेक्शन किस तरफ आ गई, पीछे आ गई, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि E नेट जो है वो क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल तो होता है बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म में अपने को ये लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2E cos theta, 2E cos theta कैलकुलेट कर दो बस, ठीक है। सो E नेट इज 2E cos theta, ठीक है, जस्ट कैलकुलेट इट, सो 2 व्हाट इज ई के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा ट्रायंगल में, चलो ट्रायंगल में ये थीटा है, कॉस थीटा विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस, बेस इज डी, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। आंसर कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट, 2KQD, देखो Q into D पहले ही आ गया है, Q into D ऊपर आ गया है तो P बन गया है वो, है ना, ओ सॉरी Q into 2Q into D आ गया है, मतलब डिस्टेंस 2D है ना, ये पूरा क्या है, डायपोल मोमेंट, K को हटा दो, ये डायपोल मोमेंट ही है। नीचे क्या है, X square plus D square की पावर, ये 1 और ये पावर हाफ, 3/2, पहले भी आ चुके हैं चीजें, इसलिए मैं जल्दी लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। सो क्या करें अभी, इसके अंदर भी सेम ही रूल होना चाहिए भाई, रूल क्या होना चाहिए कि भाई जो अपनी डिस्टेंस d है शुड बी वेरी स्मॉल देन x, मतलब डायपोल मोमेंट तो यहीं पे है, माइनस प्लस, ठीक है, और अपने को फील्ड लिखना है यहाँ पे x डिस्टेंस पे। सो ये जो 2d है ये x से बहुत स्मॉल है, अप्रोक्सीमेशन अपनी ये है, ठीक है, तो ये है तो x by d या उल्टा, सॉरी d by x मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना, तो d by x बनाना है, ठीक है। तो इसके अंदर चलो अभी, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए ऊपर तो ऐसे ही रख दो, ऊपर मैं डायरेक्ट k p लिख देता हूँ, नीचे ये तो पावर 3/2 है ना, इसको तो ऐसे ही रहने दो, x स्क्वेयर कॉमन ले लो अंदर, तो 1 प्लस d स्क्वेयर बाय x स्क्वेयर हो जाएगा, और इसको क्या कर दोगे, इसको कह देंगे ये तो 0 हो गया, d by x 0 है तो इसका स्क्वेयर भी 0 ही होगा, है ना। सो व्हाट वी गेट इज k p डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर की पावर 3/2, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कट गया, आंसर इज k p by x cube, ठीक, सिंपल हो गया, पिछले में क्या था 2 kp, इसमें क्या है kp, सिंपल, kp काला पापी, ठीक है। चलो देखो, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इस बात को यूज करना पड़ेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई E वेक्टर इस तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड है kp/x³, सिंपल, बट ये वेक्टर और ये वेक्टर, यहाँ पे देखो ये जो पूरा वेक्टर है इसमें E ही वेक्टर है ना, तो E की ही डायरेक्शन, E का ही मैग्नीट्यूड, इसके अंदर ये P वेक्टर है ना। अब दोनों वेक्टर अगर सेम है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बट P की डायरेक्शन तो E के उल्टा है, P की डायरेक्शन E के उल्टा है, तो माइनस P की डायरेक्शन E के बराबर ही होगी, P इस तरफ तो माइनस P इस तरफ और इसी तरफ E, ठीक है। सो अपना एक नेगेटिव साइन आ गया, सिंपल, नेगेटिव साइन क्यों आया, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये रहा बिकॉज E इज एंटी पैरेलल टू P। फिर से फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, ठीक है, तो जस्ट नोट, आगे चलते हैं जस्ट नोट इट, सो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ये सबसे ध्यान से समझने लायक है, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे भाई। इस बार ना जनरल पॉइंट लेना अपने को, जनरल पॉइंट ना तो एक्सिस वाली लाइन पे है ना इक्वेटोरियल लाइन पे है,
कहीं नहीं है, जनरल पॉइंट है। ठीक है, तो जनरल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे ध्यान से। इसके लिए पहले मैं बात करता हूँ एक बार कि भाई मान लो एक डायपोल मोमेंट इस तरफ है और एक डायपोल मोमेंट इस तरफ है ना, इसका नाम दे दिया पी एक्स वैक्टर, इसका नाम दे दिया पी वाई वैक्टर। सो पी नेट कहाँ होगा, पी नेट ये होगा, इनका रिजल्टेंट होगा। एंड वट वी कैन राइट कि पी नेट इज इक्वल टू पी एक्स वैक्टर प्लस पी वाई वैक्टर, है ना, पी एक्स वैक्टर प्लस पी वाई वैक्टर। ठीक है, अब इसको देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं, इसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि पी एक्स एंड पी वाई आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ पी नेट, है ना। पहले हमने यही तो किया, एक पी इस तरफ आया, एक पी इस तरफ आया, पी नेट इस तरफ लिख दिया। अब अपने को सिर्फ उल्टा करना है इसका, एक अपने पास पी नेट दे रखा होगा, उसका एक पी एक्स कॉम्पोनेंट निकालना होगा, एक पी वाई निकालना होगा। ठीक है, अच्छा ये एंगल अगर थीटा है अपना, सो पी एक्स जो होगा वो होगा पी नेट कॉस थीटा एंड पी वाई क्या होगा, पी नेट साइन थीटा। ये दो बातें अपने को याद रखनी है, बहुत ध्यान से सोचो। ठीक है, ध्यान से क्या मतलब, पी वेक्टर है, कॉम्पोनेंट ही ब्रेक करने हैं, जैसे हरेक वेक्टर के करते हैं, फोर्स के, मोमेंटम के, वेलोसिटी के, वैसे ही सिर्फ। ठीक बात, ठीक है। सो अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज 2d डिस्टेंस पे, प्लस क्यू चार्ज 2d पे, एंड सेंटर से इस बार जनरल x डिस्टेंस दूर एंड यहाँ से थीटा एंगल पे। ठीक है, मतलब ये p वेक्टर है, p वेक्टर से थीटा एंगल पे x डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। अब a, इस पॉइंट पे अपने को लिखना है फील्ड, इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है, है ना। तो देखो मतलब सवाल तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा, क्यों भाई, क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं अपा, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसकी वजह से फील्ड यहां लिख देंगे ऐसे आएगा, इसकी वजह से फील्ड ऐसे आएगा, दोनों फील्ड लिख सकते हैं, E1, E2 दोनों का सम कर सकते हैं। बट लिखते टाइम क्या ध्यान रखना पड़ेगा, E1 का मैग्नीट्यूड लिख के देखते हैं एक बार। E1 का मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, KQ / A डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देख पा रहे हैं, थीटा पे डिपेंड करेगी ये डिस्टेंस, तो एंगल 90 नहीं है, वैसे ही लग रहा है 90 नहीं है, वो कुछ भी एंगल होगा, है ना। सो ये डिस्टेंस, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है कोई, ये एंगल थीटा दे रखा है, तो ये डिस्टेंस निकालनी बहुत मुश्किल है। सिमिलरली ये डिस्टेंस निकालनी भी बहुत मुश्किल है, इनके बीच एंगल थीटा निकालना भी बहुत मुश्किल है, तो ये नेट निकालना भी बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल काम तो आप करते नहीं, अपने को तो समझ ही आसान आते हैं, है ना, तो आसान काम करेंगे। ठीक है, सो देखो आसान काम क्या है, ऐसे नहीं करेंगे, करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, ये जो अपना डायपोल है हम इसके कॉम्पोनेंट्स ब्रेक कर देंगे, क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट्स ब्रेक कर देंगे। पी वेक्टर इस तरफ है ना, तो इस तरफ जो वेक्टर होगा इसका कॉम्पोनेंट होगा थीटा एंगल पे, पी कॉस थीटा होगा, और दूसरा कॉम्पोनेंट इसका ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, हाँ ठीक है, ये एंगल 90, तो ये क्या होगा, पी साइन थीटा। ठीक है, एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इन दो कॉम्पोनेंट्स को सोचना कैसे है, अज्यूम कैसे करना है, इनको ऐसे अज्यूम करना है भाई, अगर पी कॉस थीटा वेक्टर इस तरफ है तो पी कॉस थीटा तो होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा ना, तो कुछ ऐसा अज्यूम करो कि भाई माइनस कुछ क्यू डैश यहाँ पे रखा और प्लस क्यू डैश यहाँ रखा, इनके बीच कुछ डिस्टेंस कुछ भी आई, ठीक है, बट डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा आया, ठीक है, बट ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ऐसे चार्ज रख देंगे अपन। ठीक बात, दूसरा ये पी साइन थीटा को कैसे सोचेंगे, इस पे अलग से चार्ज मान लो, ठीक है, यहाँ पे पी साइन थीटा इस तरफ है तो यहाँ होगा माइनस क्यू डबल डैश, कोई भी अलग चार्ज, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू डबल डैश, ये अलग से चार्ज, ठीक है। सो एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, इनका डायपोल मोमेंट इस तरफ है और अपने को इस लाइन पे फील्ड लिखना है। तो देखो अभी काम करते हैं, नेट पी नेट की वजह से अपने को फील्ड लिखना है भाई, तो पी नेट की वजह से लिखना है तो पी एक्स की वजह से लिख दो, फिर पी वाई की वजह से लिख दो, सम कर दो, है ना, क्यों भाई, क्योंकि पी नेट का इफेक्ट क्या है, पी एक्स प्लस पी वाई तो है,
तो पी एक्स एक इफेक्ट देगा, पी वाई एक इफेक्ट देगा, तो पी नेट क्या देगा, दोनों का सम देगा, सिंपल। ठीक है, सो हम क्या करेंगे अभी, अभी हम अपने को ये जो दो कंपोनेंट्स मिले इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो एक बार इसको इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, नहीं नहीं मिटा रहा, ठीक है। तो देखो पहले पी कोस थीटा वाला उठाओ, पी कोस थीटा वाला मेरे को ऐसे लग रहा है, ऐसे है ये डाइपोल पी कोस थीटा, ठीक है। इस पर हमने माना नेगेटिव चार्ज, यहाँ मानना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मानना, ठीक है। और इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अपने पास है पी कॉस थीटा, और इससे इसी लाइन पे, सेम लाइन पे, एक्स डिस्टेंस पे फील्ड लिखना है। ये तो लिखना आता है अपने को, कौन सी लाइन होगी, एक्सिस पे होगी। ये तो एक्सिस पे फॉर्मूला क्या बना था, टू के पी बाय एक्स क्यूब, टू के पी बाय एक्स क्यूब, है ना। तो फील्ड किस तरफ देगा ये फील्ड देगा इस तरफ, कितना, टू के पी 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 पी, यहाँ पे कौन है, पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, एक्स तो सेम ही है, एक्स क्यूब, सिंपल बात, एक बात है। अच्छा, सिमिलरली पी साइन थीटा बनाओ, अब पी साइन थीटा वेक्टर है ऐसे, ऐसे पी साइन थीटा, तो हमने क्या अज्यूम करना है, यहाँ कुछ नेगेटिव है, यहाँ कुछ पॉजिटिव है, और इसकी एक्सिस से मतलब इसके इस पॉइंट से, यहाँ से 90 है ना, ये 90 एंगल है, 90 एंगल एक्स डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट पी आ गया, इस पर फील्ड लिखना है, लिखना आता है अपने को, ये तो डायपोल मोमेंट अगर पता है तो अपने को लिखना आता है। ये क्या बनता है, के पी बाय एक्स क्यूब, डायरेक्शन, डायरेक्शन पी से ऑपोजिट होती है, इसकी डायरेक्शन पी से ऑपोजिट होती है, इस तरफ आएगा, कितना आएगा, के पी की जगह पी साइन थीटा बाय एक्स क्यूब, सिंपल। अच्छा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा, सिंपल है। सो अब इन दोनों वेक्टर्स को अगर एक साथ हम बनाए ई नेट के लिए, ई नेट के लिए अगर एक साथ बनाए अपा, ठीक है, सो इस पॉइंट पे ऐसे के ऐसे ऐसे ही कितना आ गया, टू के पी कॉस थीटा बाय एक्स क्यूब, है ना, और ऐसे 90 डिग्री पे के पी साइन थीटा बाय एक्स क्यूब, रिजल्ट तो बता ही सकते हो किस तरफ होगा, ऐसे 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 आएगा, ये क्या होगा, ई नेट, ई नेट की वैल्यू आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है। सो ए स्क्वेयर टू के पी कॉस थीटा बाय एक्स क्यूब का स्क्वेयर प्लस टू और प्लस के पी साइन थीटा बाय एक्स क्यूब का स्क्वेयर, जस्ट इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आए वो लिख दो, ज्यादा टेंशन की बात, ठीक है। सो ई नेट का मैग्नीट्यूड ये आ गया अपने पास, सिंपल। डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन देखो, ये एंगल अपना थीटा था, ठीक है, ये एंगल कैलकुलेट करते हैं एक बार पाई, ठीक है। देखो ये एंगल किस तरफ है, इस लाइन के ऐसे एंगल है, ये इस लाइन के ऐसे एंगल है, भले इस लाइन के साथ एंगल बना रहा हूं मैं। सो फाई एंगल कैलकुलेट करते हैं। सो टेंजेंट फाई में ये परपेंडिकुलर तो यही है, ये वैल्यू है ना, और बेस ये है, तो परपेंडिकुलर के अंदर है अपने पास के पी साइन थीटा बाय एक्स क्यूब, ठीक है, बेस के अंदर टू के पी कॉस थीटा बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, तो टेंजेंट फाई क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो टेंजेंट थीटा नीचे टू, बहुत अच्छे से याद रखने की बात। सो टेंजेंट फाई जो बनता है वो क्या बनता है, टेंजेंट थीटा बाय टू बनता है, सिंपल बात, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन के लिए तो एंगल लिखा, मैग्नीट्यूड इन दोनों को सॉल्व करो क्या, अपने आप से कर लो यार, जो भी आंसर आए उसको लिख दो, ठीक है। सो अपने को फंडा क्या याद रखना है, फंडा ये याद रखना है, कोई पी वैक्टर था तो उसका पी एक्स पी वाई ब्रेक कर सकते हैं, पी नेट का जो इफेक्ट होगा वो पी एक्स का इफेक्ट प्लस पी वाई का इफेक्ट दोनों का सम होगा, पी इस तरफ था ये पी एक्स पी वाई बना दिए, ये पी वाई पी एक्स जो भी है, तो इस पी की वजह से फील्ड इस तरफ आएगा, इस पी की वजह से फील्ड इस तरफ आएगा, और हमने क्या किया, दोनों का वेक्टर सम कर दिया। तो बात क्लियर, जस्ट नोट इट, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव डाइपोल, ये है
अब लिखेंगे पोटेंशियल, लिखेंगे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, ठीक है, ड्यू नहीं लिखा, ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल लिखना है अगर तुमको, ठीक है। देखो बहुत सिंपल जाएगा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, पहले यही लाइन लेते हैं, यहां से एक्स डिस्टेंस पे लिखते हैं, ठीक है, ये स्मॉल डी, ये भी स्मॉल डी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे लिखते हैं अपन पोटेंशियल लिखना है अभी। पोटेंशियल की अच्छी बात क्या है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है, ठीक है। फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर नहीं आता, एक्स आता है, दो चीजें आसान है ना। सो माइनस वाला इस पर जो पोटेंशियल देगा, ठीक है, सो इस पॉइंट पे अगर वी नेट हम लिखें तो नेगेटिव वाले की वजह से आएगा कुछ, कितना आएगा, नेगेटिव ही आएगा, कितना, के क्यू बाय डिस्टेंस, एक्स प्लस डी है उसकी, नेगेटिव वाले की एक्स प्लस डी है, प्लस इस वाले का के क्यू ओवर ये डिस्टेंस। अरे ये डिस्टेंस तो कितनी है, एक्स में से डी घटाओ यही आएगा, एक्स में से डी सब्ट्रैक्ट करो यही आएगा, एक्स माइनस डी है, एक्स माइनस डी, सिंपल सिंपल ऐड कर दो दोनों, वी नेट क्या बनेगा, के क्यू कॉमन, ठीक है। अब देखो उल्टा कर देता हूं इसको, मैं इसको पहले उसको बाद में लिखता हूं, वन एक्स माइनस डी माइनस वन ओवर एक्स प्लस डी, टेक एलसीएम, के क्यू एलसीएम विल बी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक्स प्लस डी, एक्स प्लस डी ऐसे जैसे माइनस एक्स प्लस डी, ठीक है, सॉल्व करना है इसको अच्छे से, ठीक है, मतलब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पहले ही, सो एक्स से एक्स कट गया, सो आंसर अपना के क्यू इंटू टू डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये फिर से क्या है, पी है, पी बन गया, तो सो आंसर इज ऊपर है के नीचे है पी, पोटेंशियल लिख रहे हैं आप के पी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सिंपल। अब फिर से कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं अपन, अप्रोक्सीमेशन क्या, वही वही कि जो अपना एक्स डिस्टेंस है वो फार 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 बड़ा है डी से, सो डी बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सो इसमें डी बाई एक्स निकाल दो, वी इज के पी, एक्स नीचे होना चाहिए तो एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वेयर वन माइनस डी स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख दोगे, लिखेंगे क्या, जीरो, तो पोटेंशियल क्या आ गया, के पी बाय एक्स स्क्वेयर, अरे बहुत आसान फार्मूला हो गया, तो फील्ड जैसा हो गया है ना, फील्ड में एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स क्यूब होता था, पोटेंशियल में एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर हो गया है, और ये एक्सिस वाली लाइन है, सिंपल है। सो पोटेंशियल लिखा हमने ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, अपने पास आंसर आ गया, सिंपल सा, ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, दूसरी लाइन अभी देखो यहीं पे बना देता हूँ, इक्वेटोरियल लाइन बहुत आसान है, ध्यान से देखना, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे माइनस क्यू प्लस क्यू यहां रखा, और इससे एक्स डिस्टेंस ले गए हम, ये पॉइंट ए है ना। अब माइनस क्यू देगा इस पे कुछ पोटेंशियल, कितना देगा, कितना देगा, माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही देगा ना, वेक्टर तो होता नहीं, सिंपल होता है, ठीक है। पॉजिटिव कितना देगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अरे ये तो सेम हो गए, पोटेंशियल नेट क्या आ गया, जीरो, पोटेंशियल नेट क्या आ गया, जीरो, एक्सियल लाइन पे के पी बाय एक्स स्क्वायर, इक्वेटोरियल पे जीरो, क्यों भाई, सिंपल भी सोच सकते थे, ये पॉइंट इस चार्ज से और इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है, ये चार्ज भी उतना ही पोटेंशियल देगा जितना ये देगा, एक नेगेटिव देगा एक पॉजिटिव देगा, तो दोनों कैंसिल हो गए, सेम डिस्टेंस है ना, सो बोथ कैंसल्स आउट, सो आंसर इज जीरो, ठीक है। एक और चीज बची, जनरल पॉइंट, ठीक है, सो जस्ट पॉज एंड नोट, ठीक है, जनरल पॉइंट की बात करते हैं जस्ट हम, तो जनरल पॉइंट में करने के लिए अपने को फंडा सेम ही लगाना है। क्या था फंडा, फंडा था भाई कि जो डायपोल है अपना उसके कंपोनेंट ब्रेक कर दो, मतलब डायपोल मोमेंट के कंपोनेंट्स ब्रेक कर दो, ठीक है, और दोनों की वजह से इंडिविजुअल निकाल दो, ठीक है। सो देखो जनरल पॉइंट बहुत आसान जाने वाला है,
नल पॉइंट की अगर बात करेंगे तो सेम रखेंगे, माइनस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे है, बीच में डिस्टेंस है 2d, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एंगल थीटा पे यहाँ पे लिखना है पोटेंशियल, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं बहुत तेज आदमी हूँ, क्या करूँगा, पहले पी आ रखा, ये पी था, अब पी के दो कॉम्पोनेंट बनाने हैं, दो कॉम्पोनेंट किस तरफ बनाने चाहिए अपने को, एक ऐसे एक ऐसे, ये एंगल थीटा है, ये क्या बन गया पी कॉस थीटा, ये क्या बन गया पी साइन थीटा, है ना। अब पी कॉस थीटा की वजह से क्या करना चाहिए अपने को, नेट पोटेंशियल लिखना है, पी कॉस थीटा की वजह से अलग लिखो, पी साइन थीटा की वजह से अलग लिखो। सो पी कॉस थीटा को उठाओ एक बार, पी कॉस थीटा तो ऐसे है, ऐसे ऐसे पी कॉस थीटा, और इससे एक्स डिस्टेंस यहाँ पे इसके पैरेलल ही एक्स डिस्टेंस पे ये ए पॉइंट है। सो पोटेंशियल क्या लिखोगे, के क्या फॉर्मूला आया था, के पी बाय एक्स स्क्वेयर, है ना, एक्सियल लाइन पे तो के पी बाय एक्स स्क्वेयर आया था ना, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज ज़ूम करेंगे, कुछ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ज़ूम करेंगे, व्हाट इज के के, व्हाट इज पी पी कॉस थीटा, व्हाट इज एक्स एक्स, आंसर आ, ठीक है। दूसरा पी साइन थीटा तो ऐसे हो गया पी साइन थीटा, इससे एक्स डिस्टेंस हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। अब फिर से पी साइन थीटा को सोचें, तो पी साइन थीटा पे यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस सेम ही है तो पोटेंशियल कितना आएगा यानी जीरो आएगा, एक्सियल लाइन हो गई है ना। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल नेट कितना बनेगा, एक की वजह से ही आया, कितना आया, के पी कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वेयर, के पी कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वेयर, सिंपल आंसर, गॉट एवरीथिंग, आई थिंक यू गॉट एवरीथिंग, दिस वॉज वेरी इजी, ठीक है। एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ये जो टॉपिक कराया है ये CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी और भी काम होना है डायपोल पे थोड़ा सा, ठीक है। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, सब बाखैर, जय हो, बाय।